हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत ऊर्जा के मापन हेतु कौन से व्यवहारिक मात्रक उपयोग किए जाते हैं। मतलब कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो बिजली को नापा जाता है वो यूनिट में नापते हैं। जो मीटर आपके घर में लगा होगा तो उसमें जो बिजली का बिल जो मीटर उठाता है वो यूनिट में प्रदर्शित करता है। मतलब कि या ऐसे भी देखे होंगे कि जो बिजली का बिल जमा होता है वो कुछ, जैसे मान लीजिए 5 रुपया प्रति यूनिट या 7 रुपया प्रति यूनिट बिजली का बिल आता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग आता है, हम एक अनुमान हम बता रहे हैं। तो ये यूनिट क्या है, यूनिट में बिजली को कैसे नापा जाता है, इसी को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। तो देखिए, जो विद्युत है उस विद्युत ऊर्जा का जो सबसे छोटा मात्रक है वो होता है जूल। विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब अगर मान लीजिए किसी फैक्ट्री में विद्युत ऊर्जा व्यय हो रहा है, उसको हम अगर मापे जूल में, तो देखिए बहुत ज़्यादा अंक में लिखना पड़ेगा, जैसे कई करोड़ जूल, कई अरब जूल हो सकता है। आप एक बहुत ही हम नेचुरल चीज़ बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जो हमारा घर है वहाँ से जो सबसे नज़दीकी स्टेशन है मैरवा स्टेशन, उसकी दूरी जो है 10 किलोमीटर है। ठीक, अंक देखिएगा, अंक छोटा है, मात्रक यहाँ पर बड़ा है, 10 किलोमीटर है। इसको अगर आप मीटर में चेंज करेंगे ना तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर। कारण ये है कि 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होता है, तो जब 1,000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ना तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 1,10,000,000,10,000,000। ये 10 लाख जो है सेंटीमीटर हो गया। अब सोचिए कि 10 किलोमीटर दूरी को सेंटीमीटर में बदलें तो 10 लाख सेंटीमीटर हुआ। यहाँ पर ये मात्रक को अगर देखें, ये बड़ा मात्रक है छोटा मात्रक है। जब बड़ा मात्रक हमने यूज किया तो आंकिक मान कम आया, और छोटा मात्रक हमने लिया तो आंकिक मान बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक उसी प्रकार जो जूल है विद्युत ऊर्जा को मापने में, जो जूल हम लोग यूज करते हैं वो छोटा मात्रक है। तो जब छोटा मात्रक है और आप बड़े बड़े कारखानों में या जो भी घर है, घर में जो भी जितने बिजली के उपकरण चलते हैं तो उसमें जो व्यय विद्युत ऊर्जा है उसको अगर हम जूल में नापेंगे तो इसका आंकिक मान बहुत ज़्यादा आएगा, और जब आंकिक मान बहुत ज़्यादा आएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन में क्या होगी, असुविधा होगी। इसलिए जो औद्योगिक क्षेत्र में या घरेलू उपकरणों में जो व्यय विद्युत ऊर्जा है, उस ऊर्जा को मापने के लिए एक इकाई बनाई गई, और उस इकाई का नाम है किलोवाट घंटा। ध्यान दीजिएगा, उस इकाई का नाम क्या है, उस इकाई का नाम है किलोवाट घंटा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है किलोवाट घंटा। मतलब कि जो भी फैक्ट्रियों में या औद्योगिक क्षेत्र में या घरेलू उपयोग में जो भी विद्युत ऊर्जा खर्च होता है, उस विद्युत ऊर्जा को हम लोग नापते हैं किलोवाट घंटा में। आप इसको देखे होंगे KWH लिखता है मीटर में, मीटर में क्या लिखता है KWH, किलोवाट घंटा, यही चीज़ लिखता है किलोवाट घंटा। और किलोवाट घंटा को हम लोग BTU भी कहते हैं, BTU, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट। और इन्हीं को सामान्य भाषा में हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिट कहते हैं। इसको सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, यूनिट। मतलब कि 5 यूनिट बिजली खर्च हुआ, चाहे 6 यूनिट बिजली खर्च हुआ, चाहे 10 यूनिट, चाहे 100, चाहे 200। तो बिजली का जो है बड़ा, बिजली विद्युत ऊर्जा का जो मापन है वो हम किस में करते हैं, किलोवाट घंटा। वैसे जो उसका बेसिक है वो तो जूल है, क्योंकि जूल से ही शुरू हुआ है। लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में बिजली विद्युत ऊर्जा का जो ज्ञात करना होता है कितना विद्युत ऊर्जा खर्च हुआ, तो उसको हम जूल में न ज्ञात करके किस में ज्ञात करते हैं, किलोवाट घंटा में, या उसको हम क्या बोलते हैं, BTU, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट। और इन्हीं को हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, यूनिट। तो इतना न कह के आप क्या समझिए उसको, यूनिट। मतलब कि विद्युत ऊर्जा को हम किस में नापेंगे, यूनिट में नापेंगे। अब एक यूनिट बिजली कितना को कहेंगे, माने कितना बिजली खर्च होगा तो हम कहेंगे कि वो एक यूनिट है, इसको समझिए। एक यूनिट का मतलब क्या हुआ, देखिए चाहे किलोवाट घंटा कहिए या यूनिट कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज है, किलोवाट घंटा या यूनिट। अब कोई पूछे कि एक यूनिट बिजली कितना हुआ, तो एक यूनिट बराबर होता है
क्या कि यदि कोई उपकरण जिसका सामर्थ्य 1000 वाट है या उसी को हम कहते हैं 1 किलोवाट, 1000 वाट मतलब कि 1 किलोवाट, मतलब कि 1000 वाट वाले उपकरण को यदि आप 1 घंटा उपयोग कर दें, एक दिन में 1 घंटा, ध्यान दीजिएगा ये एक दिन का ही निकाला जा रहा है। देखिए 1 यूनिट कितना कहेंगे कि 1000 वाट वाले विद्युत उपकरण को अगर आप 1 घंटा उपयोग करते हैं तो उसमें जो व्यय विद्युत ऊर्जा होगा उसको हम कहेंगे कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च हुआ है, मतलब 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा खर्च हुआ है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही साधारण चीज़ है, बहुत ही लॉजिकल चीज़ है। ये बोर्ड परीक्षा में यहाँ से 7-7 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10th के लिए तो समझ लीजिए कि बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से लगभग 95% क्वेश्चन आने के एकदम चांस है। हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा है यहाँ से क्वेश्चन, 5% में संभावना है कि न आए, लेकिन 95% संभावना है कि ये आएगा। तो 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ कि 1000 वाट का कोई भी उपकरण यदि आप 1 घंटा चलाते हैं तो उसको हम कहेंगे कि आपने कितना बिजली खर्च किया, तो 1 यूनिट खर्च किया। तो यहाँ से एक सूत्र बन जाता है कि यूनिटों की संख्या, मान लीजिए कि कितना यूनिट बिजली खर्च हुआ उसकी गणना करनी हो तो यूनिटों की हम लोग क्या निकालते हैं, संख्या निकालते हैं। तो यूनिटों की संख्या का मतलब हो गया, फार्मूला होता है इसका, देखिए यूनिट का मतलब है क्या, किलोवाट घंटा, मैंने किलोवाट गुणे घंटा। तो चूंकि बेसिकली जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं उस पर लिखा रहता है, वाट में लिखा रहता है, किलोवाट में नहीं लिखा होता है, बहुत कम ही होते हैं जहाँ किलोवाट में लिखा होता है। मैं जैसे मान लीजिए कि LED बल्ब है तो 10 वाट का होगा, चाहे 20 वाट का होगा, चाहे 7 वाट का होगा, या फ्रिज है तो 1000 वाट का होगा, तो बेसिकली वहाँ पर वाट में ही लिखा रहता है। तो ये हमारा मेन फार्मूला है, यूनिटों की संख्या का ये मेन सूत्र हुआ। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और हम फार्मूले को चेंज करें तो वो हो जाएगा, देखिए इस तरह से यूनिटों की संख्या, अगर आप इस किलोवाट को वाट में जब चेंज करेंगे तो 1000 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट। तो इसको अगर किलोवाट को वाट में केवल लिखें, वाट आइए गुणे घंटा, तब ये बटा में चला जाएगा 1000, क्योंकि जब हम किलोवाट में 1000 से भाग करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाट में। तो यहाँ पर एक और फार्मूला बन गया, यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटा बटे 1000। लेकिन देखिए जो भी फार्मूला निकला है ना, ये एक दिन के लिए ही है, अगर आप 5 दिन में व्यय विद्युत ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो 5 दिन का निकालना होगा ना, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, 6 दिन का निकालना होगा तो 6 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब जितना दिन में व्यय विद्युत ऊर्जा आपको निकालना होगा उतना दिन से गुणा करना पड़ेगा। तो एक फाइनल फार्मूला देखिए, यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन, आप कितना दिन यूज करते हैं, कितना दिन जो है कितने दिन का विद्युत ऊर्जा निकालना चाहते हैं, वो वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। तो ये यूनिटों की संख्या को निकालने का सबसे अच्छा फार्मूला है, सबसे आसान फार्मूला है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी फार्मूले पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन लगभग हर साल, चूँकि 7 सेट पेपर होता है तो 7 सेट में किसी न किसी सेट में तो जरूर रहेगा, और आपके भाग्य में कौन सा सेट है वो तो भगवान जानेंगे, लेकिन 7 सेट में किसी न किसी सेट में क्वेश्चन ये जरूर रहता है। और आप ये मान के चलिए कि आपके क्वेश्चन सेट में ये 95% आने की संभावना है, तो इस फार्मूले पर एक हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि एक घर में 10 वाट के 5 LED बल्ब, ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है कि एक घर में 10 वाट के 5 LED बल्ब, देखिए 10 वाट के 5 LED बल्ब हैं, 100 वाट का एक तंतु बल्ब, 50 वाट के 4 पंखे एवं
1.5 किलोवाट का एक एसी लगा है। देखिए क्या क्या चल रहा है, 10 वाट का 5 एलईडी बल्ब है, 100 वाट का एक और बल्ब है फिलामेंट बल्ब तंतु बल्ब, 50 वाट के 4 पंखे हैं, 1.5 किलोवाट का एक एसी लगा है। यदि बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे तथा पंखे एवं एसी प्रतिदिन 20 घंटे प्रयोग किए जा रहे हैं तो एक महीने में मतलब कि 30 दिन में 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से व्यय ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, चल क्या क्या रहा है, एलईडी बल्ब चल रहा है, एक तंतु बल्ब चल रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, तो इन सभी उपकरणों द्वारा कुल कितना ऊर्जा व्यय होगा, कितना दिन में, एक महीना में, और यदि हम 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से उस ऊर्जा का मूल्य निकालें तो वो कितना होगा, इसी को हम लोग को ज्ञात करना है। और इस तरीके के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये प्रश्न खुद ही 2017 और 2018 में पूछा गया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने सबसे पहले बताया कि यहाँ पर 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब जल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एलईडी बल्ब है, तंतु है, पंखा है, एसी है, ये सब अलग अलग उपकरण हैं, तो ये अपने कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग बिजली खर्च करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका यही है कि हम इन अलग अलग उपकरणों द्वारा अलग अलग कितना बिजली खर्च हो रहा है उसको हम निकाल देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए कि 10 वाट का जो एलईडी बल्ब है वो कितना बिजली खर्च कर रहा है उसको निकाल लेंगे, फिर 100 वाट का जो तंतु बल्ब है वो कितना बिजली खर्च कर रहा है उसको निकाल लेंगे, फिर पंखा कितना बिजली खर्च कर रहा है उसको निकाल लेंगे, फिर एसी कितना बिजली खर्च कर रहा है उसको निकाल लेंगे, और सबको जब अलग अलग निकाल लेंगे तो उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हम लोग ये जान जाएंगे कि कुल कितना बिजली खर्च हो रहा है, और फिर हम 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से उसका मूल्य भी निकाल लेंगे। तो हम पहले एलईडी बल्ब का निकालते हैं। तो एलईडी बल्ब जो यहाँ पर लिखा गया है कि 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब, देखिए 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब, बल्ब का कितना है 10 वाट, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि चूंकि 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब, 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब कितने घंटे चल रहे हैं, तो 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो बल्ब है वो 5 घंटा यूज किया जा रहा है, 10 वाट का 5 एलईडी बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे यूज किया जा रहा है, 10 वाट का 5 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा प्रयोग होता है, इसलिए तीस दिन में, ध्यान दीजिएगा एक महीने का निकालना है, 30 दिन में व्यय विद्युत ऊर्जा, देखिए व्यय विद्युत ऊर्जा के लिए हमने फार्मूला दिया है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। अब आपको यहीं पर बहुत अच्छे से समझना है कि 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब, तो 10 वाट का एक एलईडी बल्ब है तो वैसे वैसे 5 एलईडी बल्ब जल रहे हैं, तो कुल कितना वाट हो गया, 50 वाट हुआ। 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब का मतलब हुआ, देखिए 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब का मतलब हुआ 50 वाट, ठीक 50 वाट, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। तो वाट के बदले में हो गया 50, क्योंकि 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब, हमने यहाँ लिखा है कि 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब, तो 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब का मतलब हुआ कुल कितना वाट हुआ, 50 वाट हुआ। कितना घंटा प्रतिदिन चल रहा है, तो 5 घंटा प्रतिदिन प्रयोग किया जा रहा है, तो घंटा के बदले में कितना हो गया 5, क्योंकि 5 घंटा प्रतिदिन प्रयोग किया जा रहा है। और कितने दिन का निकालना है, तो एक महीने का निकालना है, एक महीने का मतलब हुआ 30 दिन, 30 तो दिन के बदले में 30 हो गया, और बटा कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा 1000। देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, अब ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो जीरो से जीरो कटेगा, ये जीरो यहाँ से कटेगा, और ध्यान दीजिएगा तो इस 5 से 5 दूना 10 कट जाएगा,
और यहाँ पर आएगा, देखिए ऊपर आ गया 5 तिहाई 15, नीचे 2 हो गया, मतलब कि 15 और भगा 2, तो 15 भगा 2 मतलब हो गया 7.5 भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 7.5, ये निकल गया 7.5 यूनिट। कितना निकला? ये निकल गया 7.5 यूनिट। मतलब कि जो आपका एलईडी बल्ब है वो कितना बिजली ले रहा है, तो वो ले रहा है 7.5 यूनिट। बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा उम्मीद है। देखिए 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा प्रयोग होता है, तो 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब है तो 10×5=50 वाट हो गया, वाट के बदले में 50, आप प्रतिदिन 5 घंटा चल रहा है तो घंटे के बदले में 5 हो गया, और 30 दिन का निकालना चाहते हैं तो 30 से गुणा कर दीजिए बटे 1000, वो सिंपल है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन कैलकुलेट कर दिया गया तो 15/2 आया और इसको 7.5 यूनिट लिख दिया गया। अब है 100 वाट का एक तंतु बल्ब, वो भी प्रतिदिन 5 घंटा ही जल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 100 वाट के तंतु बल्ब द्वारा व्यय ऊर्जा, देखिए हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 100 वाट के तंतु बल्ब द्वारा व्यय ऊर्जा, तो वाट के बदले में तो 100 ही हो गया, फार्मूला सीधे रखिए, वाट के बदले में 100, और तंतु बल्ब भी प्रतिदिन 5 घंटा ही जल रहा है, तंतु बल्ब प्रतिदिन कितना घंटा जल रहा है, 5 घंटा ही जल रहा है। उसके बाद इसको भी निकालना है कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए, तो वाट के बदले में 100 वाट, वो भी प्रतिदिन 5 घंटा चल रहा है, और जो कितने दिन का निकालना है, 30 दिन का मतलब 1 महीने का निकालना है, अब बटा हो जाएगा 1000, तो बहुत सिंपल है, 100 से ये 2 जीरो कट गया, 10 यहाँ से कट गया, 5 तिहाई 15 यूनिट, मतलब कि जो तंतु बल्ब है वो कितना यूनिट बिजली खर्च किया, तो 15 यूनिट, कितना दिन में, 30 दिन में। अब यहाँ पर एक चीज़ आप मिला लीजिए, देखिए जो एलईडी बल्ब कितना कम बिजली खर्च कर रहा है, 7.5 यूनिट खर्च किया है, जबकि ये 5 बल्ब जल रहा है, और ये फिलामेंट वाला बल्ब जो है अकेले जल रहा है तो अकेले 15 यूनिट खर्च कर दिया, सीधे इसके डबल खर्च किया है। तो इसलिए जो है आप एलईडी बल्ब का उपयोग कीजिए, अगर आपके घर में मीटर है तो आप एलईडी बल्ब का उपयोग करेंगे तो जो है बिजली खर्च कम करेगा। चलिए 100 वाट के तंतु बल्ब द्वारा कितना बिजली खर्च हुआ, 15 यूनिट। अब जो है 50 वाट के 4 पंखे हैं, प्रश्न में हमारा था 50 वाट के 4 पंखे, तो 50 वाट के 4 पंखे वो प्रतिदिन 20 घंटे चलते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 50 वाट के कितने पंखों द्वारा, 4 पंखा लिख देते हैं, 4 पंखों द्वारा व्यय ऊर्जा। देखिए 50 वाट के 4 पंखा है, तो 50 वाट का 4 पंखा का मतलब हुआ कि एक पंखा आपका 50 वाट, तो 4 वो पंखा मिला के हो गया 200 वाट, 50 गुणे 4 मतलब कि 200 वाट, तो जो वाट है उसके बदले में रखाएगा 200 वाट। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन, तो जब एक पंखा 50 वाट का है तो 4 वो पंखा चल रहा है, माने 5×20 200 वाट हो गया। अब देखिए पंखा जो चल रहा है ना वो 20 घंटा प्रतिदिन चल रहा है, तो घंटा के बदले में हो गया 20 घंटा प्रतिदिन चल रहा है, और कितने दिन का निकालने हम जा रहे हैं, 30 दिन का, सारा चीज़ यहाँ पर हम 30 दिन का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 30 से गुणा करेंगे और उसके बाद 1000 से भाग, तो 0 से 0 कट गया, यहाँ से 10 से ये 0 कट गया, इसमें का 10 से यहाँ से 0 कट गया, मतलब 30 से 30 कट गया। अब यहाँ देखिए बचा क्या, 20 बचा, 20 दूना 40, 40 तिहाई 120, माने पंखा कितना खर्च किया, तो पंखा खर्च किया 120 यूनिट। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि एक 1.5 किलोवाट का एसी भी चल रहा है, तो यहाँ पर पुनः लिखेंगे कि 1.5 किलो वाट। अब देखिए 1.5 किलो वाट का मतलब होता है ना, हमने बताया है कि 1 किलो वाट में
1000 वाट होता है, तो 1.5 किलोवाट का मतलब हुआ, 1.5 किलोवाट का मतलब हुआ 1500 वाट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1500 वाट की एसी द्वारा व्यय ऊर्जा। तो जो आपका एसी है वो 1500 वाट का है, 1.5 किलोवाट मतलब 1500 वाट। तो 1500 वाट का एसी जो है वो 20 घंटा प्रतिदिन चल रहा है, जितना पंखा चला उतना एसी चल रहा है, 20-20 घंटा चल रहा है। तो वाट के बदले में हो गया 1500, ठीक, और घंटा के बदले में 20 घंटा प्रतिदिन चल रहा है, हम 30 दिन का निकाल रहे हैं, तो गुणे 30 और फिर से बटा कितना हो गया 1000। तो यहाँ से फिर से क्या करेंगे कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, यहाँ से एक ये जीरो कट गया, अब देखिए कितना हुआ, 150 गुणे 2 गुणे 3, तो 150 दूना हो गया 300, और 300 गुणे 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 900। मतलब एसी कितना यूनिट बिजली खर्च किया, 900 यूनिट बिजली जो है एसी खर्च किया। तो बहुत यहाँ पर सिंपल है, आप एक बार पुनः समझ लीजिए कि जो घर है उस घर में 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब, 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे, 100 वाट का एक तंतु बल्ब वो भी प्रतिदिन 5 घंटे, 50 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 20 घंटे, और 1.5 किलोवाट का एक एसी प्रतिदिन 20 घंटे चलता है। तो हमको एक महीना में कितना बिजली खर्च हुआ वो निकालना था, और 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से एक महीने में कितना उसका मूल्य होगा, कितना खर्च आएगा वो भी निकालना है। तो हमने क्या किया कि हम एक एक करके एक एक उपकरण द्वारा कितना बिजली खर्च हुआ है उसको हम पहले निकालें। तो हमने यहाँ पर लिखा कि 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा प्रयोग होता है, 10 वाट का 5 एलईडी बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा प्रयोग होता है, तो 30 दिन में व्यय विद्युत ऊर्जा। तो सूत्र होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन। तो वाट देखिए 10 वाट के 5 बल्ब है तो 10 × 5 = 50 वाट, तो वाट के बदले में 50 हो गया, प्रतिदिन 5 घंटा तो घंटा के बदले में 5 हो गया, 30 दिन का निकालना चाहते हैं तो दिन के बदले में 30 हो गया, और बटे 1000 सूत्र में होता है, ये कैलकुलेट कर देगा काट उठ के कितना आ गया, 7.5 यूनिट हुआ। उसके बाद 100 वाट का तंतु बल्ब भी 5 घंटा ही जलता है, तो 100 वाट, वाट के बदले में 100, प्रतिदिन 5 घंटा जलता है, 30 दिन का हमने निकाला, इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 15 यूनिट खर्च हुआ। 50 वाट के 4 पंखे द्वारा व्यय ऊर्जा, तो 50 वाट के 4 पंखे हैं तो 50 चौके कितना हो जाएगा, 200 हो गया, मतलब कि कुल 200 वाट हुआ, तो वाट के बदले में हो गया 200, प्रतिदिन 20 घंटा चलता है तो 20 लिखा गया घंटा के बदले में, कितने दिन का निकालना चाहते हैं, 30 दिन का निकालना चाहते हैं, तो 30 हो गया, इसको कैलकुलेट हमने किया तो ये आ गया 120 यूनिट। और 1.5 किलोवाट का एक एसी, तो 1.5 किलोवाट का मतलब हुआ 1.5 किलोवाट, तो 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, तो 1.5 किलोवाट में हो गया 1500 वाट। तो 1500 वाट की एसी द्वारा व्यय ऊर्जा, तो वाट के बदले में 1500, घंटा के बदले में 20, दिन के बदले में 30, क्योंकि हम 30 दिन का निकालना चाहते हैं, बटे हुए 1000, इसको हमने कैलकुलेट किया तो आ गया 900 यूनिट। तो ये हमारा अलग अलग उपकरणों द्वारा अलग अलग जो है ये खर्च आ गया, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर हम कुल खर्च निकालें कि कुल कितना खर्च हो रहा है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि इट इम्प्लाइज दैट कुल व्यय विद्युत ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा ये 30 दिन में व्यय विद्युत ऊर्जा हम निकाल रहे हैं, तो कुल व्यय विद्युत ऊर्जा निकालेंगे तो सबको जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो 7.5 प्लस 15 प्लस ये सबको जोड़ेंगे 120 प्लस 900। जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ लेते हैं 900 और इसमें का 100 ले लीजिए, तो 1000 हो गया, 1000 वाट हुआ, यहाँ का 20 और 15 35, मतलब ये 1035 हो गया, ठीक, यहाँ तो 1035 हुआ, और इसमें 7.5 जोड़ेंगे तो इसमें 7 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1042.5, मतलब कि टोटल ये हो गया 1042.5 यूनिट बिजली खर्च हुआ, 1042.5 यूनिट बिजली खर्च हुआ, कितना दिन में, एक महीना में, ठीक। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि यदि 5 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का मूल्य
लगे तो कितने रुपए का बिजली खर्च होगा। तो बहुत सिंपल है, यहाँ से लिख देंगे कि थोड़ा सा ऊपर हम मिटा दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये तो आपका कुल विद्युत ऊर्जा कितना दिन में, 30 दिन में व्यय। और यहाँ पर लिखेंगे कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मूल्य, तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मूल्य जो है 5 रुपया दिया जा रहा है। ठीक, तो एक महीने में जो व्यय विद्युत ऊर्जा है 1042.5 यूनिट, इसका कुल मूल्य तो 1042.5 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मूल्य बराबर क्या करेंगे, इतना यूनिट खर्च हुआ है और एक यूनिट का दाम कितना है, 5 रुपया है, तो 5 से गुणा कर दीजिए, तो 1042.5 गुणे 5, तो 5 × 25, 25, 5 × 10 = 12, 5 × 20 = 21 और 0 यहाँ हो जाएगा 2, 5 × 1 = 5, 10 × 1 अंक बाद लग जाएगा, मतलब कि 5212.5 रुपये आपका एक महीने बिजली का बिल आएगा। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसी तरह के प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर का पूछा जाता है, हमने अभी सिर्फ एक प्रश्न बताया है, आप इसी तरह के प्रश्न आप सेल्फ जो है आपके पास जो भी बुक होगा उससे आप लगा के सवाल को सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।